हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में होने वाला टाटा IPL 2023 का 65th T20 मैच के बारे में। अगर टाइमिंग की बात किया जाए तो ये जो मैच आपको 7:30 बजे रात को खेला जाएंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो भाई, मैं 6 ग्रैंड लीग टीम बना के रख चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको पूरे 6 ग्रैंड लीग के साथ साथ एक स्मॉल लीग टीम का प्रेडिक्शन देने वाला। तो यहाँ पर एक स्मॉल लीग टीम मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ यूजर्स है उनको ग्रैंड लीग खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, तो उनके लिए मैं ग्रैंड लीग टीम यहाँ पर बना के दिखाऊंगा लाइव में। और इसके साथ साथ 6 ग्रैंड लीग का प्रेडिक्शन भी यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर पर किस प्लेयर को लेंगे तो यहाँ पर अच्छा रहेगा, ये सारा जानकारी आपको मैं इसी वीडियो पर देने वाला। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको दोनों टीम लास्ट मैच किस टीम से जीते हैं, किस टीम से हारे हैं ये भी बताऊंगा, पॉइंट टेबल पे कितने पोजीशन पे। और यहाँ पर फैंटेसी टॉप पिक में 10 प्लेयर 11 प्लेयर कौन है उनको मैं पिक करने वाला, उनका ओवरऑल स्टैट्स भी बताऊंगा, इस सीजन में कितने रन बनाए ये भी बताने वाला हूँ भाई। इसके साथ साथ यहाँ पर पॉइंट टेबल पे दोनों टीम कितने पोजीशन पे, हेड टू हेड इन दोनों टीम के बीच में कितने बार हुए और कौन सा टीम यहाँ पर ज्यादा बार जीते, ये सारा जानकारी आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक और काम करना भाई, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूँ। अगर लिंक ओपन नहीं होता उसके लिए क्या प्रोसेस है, @shatrughan225 जाके सर्च करना भाई। तो आप सर्च करेंगे तो मेरे चैनल से हो जाएगा, 2400 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए अब लेट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो भाई यहाँ पर स्मॉल लीग टीम बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जान लीजिएगा। पहला बात है, ये पिच बैटिंग के लिए फेवरेबल है, गुड फॉर फेस बॉलर्स है भाई, एवरेज स्कोर 160 से 170 रन तक बन सकता है। वेन्यू की बात किया जाए तो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद इंडिया में होने वाले हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए होम ग्राउंड रहने वाले हैं। तो यहाँ पर दोनों टीम के लिए मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो RCB अगर ये मैच जीते हैं तो भाई अभी भी ये प्लेऑफ में क्वालिफाई होने की चांसेस है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद मेरे हिसाब से बाहर हो चुके हैं, लेकिन पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा भाई, जो लास्ट मैच सनराइजर्स हैदराबाद खेले वो गुजरात टाइटन्स के खिलाफ भाई यहाँ पर 34 रन से हार गया था। और वही RCB टीम की बात किया जाए तो लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा विन किया भाई RCB, लास्ट मैच में यहाँ पर 112 रन से यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीते हैं और राजस्थान रॉयल्स को यहाँ पर 59 रन पे ऑल आउट कर दिया था। और इस मैच में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखा जाए तो यहाँ पर वेनी पार्नर ने यहाँ पर लास्ट मैच में 3 विकेट लिए भाई, बहुत दिन के बाद कमबैक किया और कमाल की कमबैक इनका रहा और काफ़ी अच्छे गेंदबाजी भी किए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा दोनों टीम यहाँ पर पॉइंट टेबल पे कितने पोजीशन पे, ये जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। तो पहला बात यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ RCB टीम अगर देखा जाए तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो भाई काफ़ी अच्छे पोजिशन पर नज़र आ रहे हैं। 12 मैच खेले, 6 मैच जीते, 6 मैच हार के यहाँ पर अभी पूरे नज़र से देखा जाए तो यहाँ पर 7th पोजिशन पर भाई, यहाँ पर 7th है, यहाँ पर 5th पोजीशन पे। तो अभी भी इनको मौका है भाई यहाँ पर, लेकिन वही अगर बात किया जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद मेरे हिसाब से आउट ऑफ है भाई यहाँ पर। ये मैच इनके लिए भी इंपॉर्टेंट इतना मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर जीतते हैं तो यहाँ पर RCB टीम को यहाँ पर डेंजर जोन में रख सकता है, तो इनके लिए मैं पॉइंट टेबल अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद यहाँ पर जीतने की चांसेस भी यहाँ पर बहुत कम है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे भाई, कुछ प्लेयर्स हैं उनका नाम मैं मेंशन करूंगा, वो प्लेयर को आप जरूर टीम पर रखिएगा। तो पहला जो प्लेयर है भाई यहाँ पर फैफ डुप्लेसिस है, इनको आप जरूर टीम पर रखिएगा। इस सीजन में 12 मैच में 631 रन बनाए, तो इनको अवॉइड करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इसके साथ साथ भाई यहाँ पर आपको कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए ये भी बता देता हूँ। फैफ डुप्लेसिस 12 मैच में 631 रन बनाए, उसके बाद मैं विराट कोहली को पिक करने के लिए सलाह दूंगा। विराट कोहली सीजन में 12 मैच में 438 रन बनाए भाई, तो इन दोनों को पिक करने के बाद यहां पर मैं ग्लेन मैक्सवेल को एक अच्छा पिक मानूंगा, 12 मैच में 384 रन बनाए। तो ये तीनों प्लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पर RCB टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक है। उसके बाद यहाँ पर आपको हेनरिच क्लासिन को आप टीम पर रख सकते हो भाई, यहाँ पर 9 मैच खेले, यहाँ पर 326 रन बनाए, इस सीजन में काफ़ी अच्छे खेल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और प्लेयर है भाई राहुल त्रिपाठी, यहाँ 12 मैच में 258 रन बना चुके हैं। तो अभी तक 5 प्लेयर्स हम पिक कर चुके हैं भाई, यहां पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये 5ों प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे गेंदबाजी डिपार्टमेंट में, तो गेंदबाजी डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो यहां पर मैं आपको मोहम्मद सिराज को सलाह दूंगा, 12 मैच में 16 विकेट ले चुके हैं भाई, तो इनको पिक करना चाहिए। उसके बाद यहां पर भुवनेश्वर कुमार है भाई, 12 मैच में 14 विकेट ले चुके हैं। तो भुवनेश्वर कुमार इस सीजन में सब लोग इन पे नजर ज्यादा लोग नहीं रख रहे, लेकिन इस सीजन में इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा जा रहा है भाई, 12 मैच में 14 विकेट, कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं है और इस टीम का मेन बॉलर है भाई यहाँ पर, तो इनको रखना पड़ेगा। और हर्षल पटेल है भाई 11 मैच में 12 विकेट ले चुके हैं, तो इनको भी मैं टीम पर रखूंगा। और यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर है भाई, इनको ज्यादा इंपैक्ट प्लेयर पे मौका मिल रहा है, तो यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर पे किसको लेना चाहिए, तो यहाँ पर मैं पिक करूंगा भाई मयंक मारकांडे, एक अच्छा पिक है भाई यहाँ पर,
अगर इनकी बात किया जाए तो 10 मैच में यहाँ पर 12 विकेट ले चुके हैं। और उसके बाद एक और बॉलर है भाई करण शर्मा, लेकिन ये प्लेयर इंपैक्ट प्लेयर भी नजर ज़्यादातर खेलते भी नजर नहीं आ सकते। 6 मैच में 10 विकेट है, लेकिन इनकी जगह आपको यहाँ पर वेनी पार्नल को ले लीजिएगा भाई, ये डेथ ओवर्स पे अच्छा गेंदबाजी करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 गेंदबाज को मैंने पिक किया, एक ऑलराउंडर, 3 बैट्समैन है भाई यहाँ पर। उसके बाद एक यार एक्स्ट्रा बैट्समैन अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप अभिषेक शर्मा के साथ जा सकते हो। तो यहाँ पर एक ऑलराउंडर काफी है भाई। आप इसमें अगर चेंजिंग करना चाहते हो तो क्या चेंजिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो गेंदबाजों को घटा सकते हो। तो गेंदबाजों में यहाँ पर मैं हर्षल पटेल को ड्रॉप करके भाई यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के साथ भी जा सकता हूँ। वो एक्स्ट्रा ऑलराउंडर कौन है आपको मैं बता सकता हूँ भाई, यहाँ पर एडन मराक्रम को आप ले लीजिएगा, क्योंकि वरिंदु हसरंगा यहाँ पर बेंच पे बैठे, लास्ट मैच में माइकल ब्रेसवेल को मौका मिला। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन पे किसको लेना चाहिए। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे काफी प्लेयर्स है, लेकिन यहाँ पर आपको फैब डुप्लेसिस एक अच्छा पिक है कैप्टन ऑप्शन में। और वाइस कैप्टन ऑप्शन पे अगर देखा जाए तो एडन मराक्रम को ले लीजिए, तो विराट कोहली को भी ले सकते हो, नहीं तो राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, इनमें कोई भी प्लेयर को पिक कर सकते हो। तो बार टीम अच्छे से देख लेना भाई, एक विकेट कीपर, 4 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर, 4 गेंदबाज है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे अगर देखा जाए तो फैब डुप्लेसिस मेरा कैप्टन है, वाइस कैप्टन पे मैं एडन मराक्रम के साथ जा रहा हूँ। तो ये जो टीम है पहले इस टीम को मैं सेव करके रख लेता हूँ, और आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ भाई इंपैक्ट प्लेयर। तो इंपैक्ट प्लेयर पे अगर देखा जाए तो हर्षल पटेल, और यहाँ पर नटराजन, उसके बाद मार्को जेंसन है भाई, इनको पिक कर लीजिएगा। माइकल ब्रेसवेल भी एक अच्छा पिक रहने वाला है। तो एक बार टीम अच्छे से देख सकते हैं, इंपैक्ट प्लेयर मैंने ऐड कर लिया भाई, और यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर्स को भी यहाँ पर मैं सेव करके रख लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको स्मॉल लीग का प्रेडिक्शन मैं दे चुका हूँ भाई, यहाँ पर स्मॉल लीग टीम यहाँ पर हमने पिक कर ली, और यहाँ पर अभी आपको मैं 6 GL का प्रेडिक्शन अभी आपको मैं देने वाला हूँ। तो 6 GL टीम में अगर देखा जाए तो पहला जो टीम है, आप देख सकते हो भाई यहाँ पर एक विकेट कीपर है, यहाँ पर हैरी क्लासेन है यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद 3 बल्लेबाज है, विराट कोहली, फैब डुप्लेसिस, अभिषेक शर्मा, और ऑलराउंडर्स डिपार्टमेंट में ग्लेन मैक्सवेल, माइकल ब्रेसवेल, एडन मराक्रम है। और यहाँ पर गेंदबाजी में यहाँ पर वेनी पार्नल, करण शर्मा, मोहम्मद सिराज, मयंक मारकांडे। तो यहाँ पर आपको फैब डुप्लेसिस मेरा कैप्टन है, वाइस कैप्टन पर एडन मराक्रम के साथ जा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप चाहे तो चेंजिंग में बहुत कुछ कर सकते हो भाई, विराट कोहली, मैक्सवेल, क्लासेन, इनमें से कोई भी प्लेयर को आप यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पर ऐड कर सकते हो। लेकिन इससे पहले इंपैक्ट प्लेयर को भी यहाँ पर आपको मैं पिक करके बता दूंगा, राहुल त्रिपाठी, भुवनेश्वर कुमार, और इसके साथ साथ यहाँ पर नटराजन, जॉनसन, दिनेश कार्तिक है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स है भाई, यहाँ पर इनको लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब्दुल समद यहाँ पर फिनिशिंग रोल के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर अनमोल सिंह है भाई, इनको भी मौका मिल सकता है, नहीं तो यहाँ पर आप इनकी जगह महिपाल लोमर को भी आप यहाँ पर पिक कर लीजिएगा। तो ये जो हमारा टीम है भाई, यहाँ पर पहला GL टीम है, तो इस टीम को भी मैं सेव करके रख लिया। अभी आपको मैं दूसरा GL टीम बना के दिखाने वाला हूँ। तो दूसरा GL टीम आप देख सकते हो, विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पर हैरी क्लासेन है भाई यहाँ पर, उसके बाद बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में विराट कोहली, फैब डुप्लेसिस, अभिषेक शर्मा है, ऑलराउंडर्स डिपार्टमेंट में माइकल, ग्लेन मैक्सवेल, माइकल ब्रेसवेल, एडन मराक्रम है, गेंदबाजी में वैनी पार्नल, भुवनेश्वर कुमार, करण शर्मा, मोहम्मद सिराज है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पर यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन है। तो बैकअप प्लेयर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर्षल पटेल, राहुल त्रिपाठी, और इसके साथ साथ नटराजन, और यहाँ पर आप दिनेश कार्तिक को ले लीजिएगा। दिनेश कार्तिक को मैं क्यों ले रहा भाई, यहाँ पर इनकी सीजन, इस सीजन में फॉर्म बहुत खराब है, लेकिन ये प्लेयर कभी भी मैच को पलट सकता है, यहाँ पर डेथ ओवर्स पे बैटिंग अच्छा कर लेते हैं भाई, तो इनको आप जरूर टीम पर रख लीजिएगा। तो ये जो मेरा टीम है दूसरा GL टीम है। अब यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट तीसरा GL टीम दिखा देता हूँ भाई। तीसरा GL टीम पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 विकेट कीपर है, क्लासेन और ए सिंह है, और यहाँ पर बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में विराट कोहली, फैब डुप्लेसिस, राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा है, ऑलराउंडर्स डिपार्टमेंट में ग्लेन मैक्सवेल, एडन मराक्रम, वनिंदु हसरंगा, मार्को जेंसन है, और यहाँ पर गेंदबाजी पे एक ही प्लेयर है मोहम्मद सिराज, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर पे मैं ऐड करूंगा भाई फैब डुप्लेसिस, अभिषेक शर्मा को यहाँ पर मैं कैप्टन वाइस कैप्टन ऐड किया। तो इंपैक्ट प्लेयर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको भुवनेश्वर कुमार, और यहाँ पर आपको बेस्ट जो प्लेयर है भाई यहाँ पर आपको नेक्स्ट में वेनी पार्नल, मयंक मारकांडे, और इसके साथ साथ एक गेंदबाज के साथ जाना सही रहेगा। तो गेंदबाजी में किसको लेना चाहिए आपको मैं बता दूंगा भाई, यहाँ पर काफ़ी प्लेयर्स हैं उनको पिक करेंगे तो अच्छा रहेगा। करण शर्मा एक अच्छा पिक है, ब्रेसवेल एक अच्छा पिक है भाई, लेकिन यहाँ पर आपको मैं हर्षल पटेल को लेने के लिए सलाह दूंगा। तो ये भी टीम आप एक बार अच्छे से देख लेना भाई, इस टीम को भी मैं सेव करके रख लेता हूँ। तो यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर में मैं गेंदबाजों पर फोकस किया। तो आप देख सकते हो भाई हमारा 3 GL टीम अपडेट हो गया। अभी आपको मैं चौथा GL टीम दिखा देता हूँ। चौथा GL टीम पे भाई एक ही विकेट कीपर है, हैरी क्लासेन। उसके बाद यहाँ पर आपको बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में विराट कोहली, फैब डुप्लेसिस, राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा है, और ऑलराउंडर्स पे ग्लेन मैक्सवेल, माइकल ब्रेसवेल, एडन मराक्रम, और गेंदबाजी में वेनी पार्नल, करण शर्मा, मोहम्मद सिराज है। मोहम्मद सिराज वाइस कैप्टन है, और कैप्टन पे मैं माइकल ब्रेसवेल के साथ जा रहा हूँ। और बैकअप प्लेयर्स पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको
भुवनेश्वर कुमार और नटराजन और इसके साथ साथ यहाँ पर जेनसन और मयंक मार्कंडे। तो यहाँ पर मैं चारों इंपैक्ट प्लेयर पे एसआरएच टीम को यहाँ पर ऐड किया। तो ये जो मेरा टीम है भाई चौथा जीएल टीम है, तो इसको भी मैंने अपडेट करके रख लिया। अब आप देख लीजिएगा भाई पांचवा जीएल टीम, तो एक विकेट कीपर है, तीन बल्लेबाज, तीन ऑलराउंडर, चार गेंदबाज है। लेकिन यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर राहुल त्रिपाठी वाइस कैप्टन है और कैप्टन पर यहाँ पर मैं मोहम्मद सिराज के साथ जा रहा हूँ। तो ये जो हमारा टीम है भाई फिफ्थ जीएल टीम है, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको वनिंदु हसरंगा तो नहीं खेल रहे, मार्को जेनसन और यहाँ पर अभिषेक शर्मा, वैनी पार्नल और मयंक मार्कंडे को आप यहाँ पर ले सकते हो इंपैक्ट प्लेयर पे। तो इंपैक्ट प्लेयर को भी मैंने ऐड कर लिया, तो ये भी टीम आपको मैं सेव करके दिखा देता हूँ। तो भाई आप देख सकते हो हमारी पांचों के पांचों जीएल टीम अपडेट हो गया, सेव भी कर लीजिएगा। और अभी आप लास्ट एंड फाइनल टीम दिखाने वाला हूँ भाई, ये जो टीम है मेरा फाइनल ग्रैंड लीग टीम है। तो विकेट कीपिंग पे क्लासेन है यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, और तीन बल्लेबाज विराट कोहली, फैफ डू प्लेसिस अभिषेक शर्मा, ऑलराउंडर्स में मैक्सवेल, माइकल ब्रेसवेल, माराक्रम मार्को जेनसन है, वेनी पार्नल, करण शर्मा, मोहम्मद सिराज, गेंदबाजी पे। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे, वाइस कैप्टन पे अभिषेक शर्मा, कैप्टन पे यहाँ पर विराट कोहली। तो विराट कोहली कुछ मैचेस से अच्छे नहीं खेल रहे हैं भाई, तो ये प्लेयर अभी सही मोमेंट है, इनको पिक करना है, तो इनको आप जरूर टीम पर रख लीजिएगा। तो यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर पर राहुल त्रिपाठी, भुवनेश्वर कुमार और इसके साथ साथ भाई तीन नटराजन और यहाँ पर आपको मयंक मार्कंडे एक अच्छा पिक रहने वाला है। तो इंपैक्ट प्लेयर को भी मैंने ऐड कर लिया, तो इस टीम को भी मैं सेव करके रख लेता हूं भाई। तो आप देख लीजिएगा यहां पर आपको मैं पूरे 6 जीएल के साथ साथ एक स्मॉल लीग टीम का भी प्रेडिक्शन कर दिया, लेकिन फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम पे ही दूंगा भाई, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करना, इसके साथ साथ आप बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।